राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में विदाई से पहले मानसून एक्टिव हो चुका है। इसका असर भोपाल में देर रात को तेज बारिश के रूप में देखने को मिला। दिन भर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया, जिससे सभी का जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन रात होते होते काले बादल छा गए और उसके बाद करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस साल भोपाल में सामान्य से करीब 14% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो मौसम के लिए अच्छा संकेत है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिला, विशेषकर पश्चिम मध्य प्रदेश में। भोपाल में दिन भर धूप के बाद बादल छाए रहे और देर रात की तेज बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी, जिससे शहरवासियों को राहत मिली। लगातार हो रही बारिश से शहर के सभी तालाब और डैम लबालब भर चुके हैं, जो जल संकट की समस्या को दूर करने में मददगार साबित होगा। नमस्कार, मैं अभिजीत चक्रवर्ती, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटों में पूर्व मध्य प्रदेश में स्कैटर रेनफॉल का था, पश्चिम मध्य प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल दर्ज किया गया। सर्वाधिक रेनफॉल पन्ना डिस्ट्रिक्ट में 122.2 मिलीमीटर दर्ज किया गया। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करें तो एक अपरिया सेंसर नॉर्थ के तट पर बना हुआ है, जो समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर तक बना हुआ है, तथा एक अपरिया सेंसर गुजरात के ऊपर भी बना हुआ है। इसके चलते जो पहला दिन का फोरकास्ट है, उसमें आप साउथ पार्ट के देख सकते हैं, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इन जिलों में कहीं कहीं हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। बाकी जगह थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी। आने वाले दिनों में ये सिस्टम जो है कमजोर हो जाएगा और रेनफॉल एक्टिविटी में कमी देखने को मिलेगी। रेनफॉल मोस्टली आइसोलेटेड टू मॉडरेट फॉर्मेट में देखने को मिलेगा और एज सच नो वार्निंग रहेगा। बता दें कि राजधानी भोपाल में मौसम ने पिछले 4 दिनों से करवट बदली है। तेज उमस के बाद हल्की बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिसमें भोपाल में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल भी तापमान में कमी की आशंका जताई है और इसके बाद मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल के बाद मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिलहाल एक साइक्लोन एक्टिव है, जिससे कहीं कहीं छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। ये साइक्लोन प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश बढ़ा सकता है। इस साल भोपाल में मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। सामान्य बारिश 37 इंच के करीब रहती है, जबकि इस बार 50 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है, यानी अब तक करीब 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस साल की ज्यादा बारिश न केवल जल संकट को हल करने में मदद करेगी, बल्कि ये किसानी के लिए भी अच्छी होगी। किसानों के लिए ये समय बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी बारिश से फसलों को बढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसे में भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून का एक्टिव होना लोगों के लिए राहत लेकर आया है। सभी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम में और सुधार होगा और बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा।